तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग कभी भी एयरटेल का नया सिम कार्ड लेते हो या यहाँ पर एयरटेल में अपना नंबर को पोर्ट कराते हो, तो एयरटेल की सिम कार्ड जब खुलती है, जब चालू होती है, तो अक्सर ये प्रॉब्लम आती है सभी को कि उनकी कॉल नहीं लगती है, उनका यहाँ पर डेटा जो इंटरनेट होता है वो चलता नहीं है। और अगर आप लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है, आप लोगों ने इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं देखी है, तो आपको आने वाले दिनों में हो सकती है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें इंसान को काफी परेशान कर देती हैं। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को इसका सोल्यूशन बताऊंगा। अगर आप लोग कभी भी एयरटेल का नया सिम कार्ड लेते हो या एयरटेल में अपना नंबर पोर्ट कराते हो, जब वो चालू हो जाता है, तो आप लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखो, जब भी आप लोग एयरटेल का नया सिम कार्ड लो या एयरटेल में पोर्ट कराओ, जब आपका चालू हो जाए और आपकी कॉल और डेटा वगैरह नहीं चल पा रहा हो, तो आपको क्या करना है कि आप लोगों को एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन आता है ना, आप लोगों को उसको अपने फोन में डाउनलोड करना या किसी भी फोन में आप लोग एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड कर देना। उसके बाद में आप लोगों ने जो भी अपना नंबर पोर्ट कराया है एयरटेल में या नया सिम कार्ड लिया है, ठीक है, एयरटेल का, तो आप लोगों को वो नंबर एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन में डालकर ओटीपी वगैरह डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेना है। बस आपको इतना ही काम करना है, उसके बाद में कॉल लगने लगेगी और आपका जो भी डेटा इंटरनेट है वो आपका चालू हो जाएगा, आपका यहाँ पर चलने लगेगा। तो ये सबसे पहला स्टेप हो गया। अगर आप लोगों का तब भी यहाँ पर कॉल डेटा इंटरनेट नहीं चलता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है और मोबाइल नेटवर्क में जाना है। वहां पर जाने के बाद में यहाँ पर रोमिंग वाला यहाँ पर जो ऑप्शन होता है ऑफ होता है, रोमिंग को आप लोग ऑन कर देना, एनेबल कर देना। उसके बाद में आपको अपनी और सेटिंग में चेक करना है कि आपका यहाँ पर 4G सिलेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया कि आप लोगों को अपनी रोमिंग वगैरह यहाँ पर चेक करना है कि ऑन है कि ऑफ है, ठीक है। इतना आपको काम करने के बाद में आपका 100% कॉल लगने लगेगी और आपका जो भी डेटा इंटरनेट है वो आपका चालू हो जाएगा, आपका यहाँ पर चलने लगेगा। अगर इतना सब कुछ करने के बाद में फिर भी आप लोगों का काम नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को उसमें चेक करना है कि आपने नया सिम कार्ड लिया या सिम को पोर्ट कराया हुआ है, वो चालू हो गया, और उसमें आपको चेक करना है कि उसमें रिचार्ज हुआ है कि नहीं, ठीक है। इतना आप काम करो, सक्सेसफुली यहाँ पर कॉल भी लगेगा और डेटा भी चल पाएगा। तो ये काफी सारे लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम आती रहती है और हो सकता है कि आपको आ जाए, तो आप लोग इसी तरीके से ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। बाय बाय।